एंड अब मुझे डर इस बात का लग रहा है ना वहाँ अब बताता हूँ मैं वहाँ हुआ क्या था एक्चुअली वहाँ। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू चैनल टॉक। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो यार अभी सुबह के बज रहे हैं आपका 6:30 बज रहे हैं एंड अभी जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैं तैयार हुआ हूँ। तो मैं मॉर्निंग वॉक लेने ही अभी मॉर्निंग रेड के लिए तैयार हुआ हूँ। तो अभी फटाफट चलते हैं एंड कहाँ जा रहा हूँ मैं अभी थोड़ी देर बताता हूँ। तो सबसे पहले भाई के यहाँ चलते हैं, भाई को पिक करते हैं। तो यार अभी तो मैं पहुँच गया भाई के कमरे पर एंड अभी देख रहे हो अब मैंने रेनकोट भी डाल लिया है क्योंकि यार जैसे कि आपको पता चल पा रहा होगा वॉइस से मेरा थोड़ा ना तबीयत ख़राब है एंड जब मैं लास्ट बार घूमने गया था तो उसके बाद से मेरा तबीयत थोड़ा डाउन हो गया है। तो तब से चल ही रहा है कंटिन्यूसली। तो मैं अब थोड़ा रिस्क ही नहीं चाहता क्योंकि सुबह सुबह की मॉर्निंग राइड होने वाली है आज पहली बार एंड जो सफ़र में ठंडा लगेगा उस चक्कर से पहना है मैंने, बारिश के कारण नहीं पहना है मैंने, ठंडे के कारण पहना है कि ताकि मैं थोड़ा हवा वाना घुस पाए अंदर। तो चलते हैं, हम तो एंजॉय करते हुए जा रहे थे एंड सडनली मैंने कुछ लोगों को देखा जाते हुए बैग के साथ अपने। तो मुझे ध्यान आया कि सब दिवाली में भयंकर लोग घर जा रहे हैं और एक हम है जो दिवाली में इस बार घर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ यही देहरादून में रहने वाले हैं। मेरा तो पहला दिवाली है जब मैं बाहर आया हूँ और उसी दिवाली में मैं बाहर ही रह रहा हूँ। बट यार जेन्युइनली बुरा लग रहा था क्योंकि यार सब लोग घर जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं। बट कोई नहीं, मेरा आज तक ऐसा दिवाली कभी नहीं गया जो जिसमें मैं अपने घर नहीं गया हूँ। मैं बहुत मिस करने वाला हूँ क्योंकि यार साल में एक बार आता है जब घर सस्ता सवरता है फुल शादियों की तरह। तो इस बार नहीं होगा वो देखना मुझे। तो कोई नहीं, अलग एक्सपीरियंस रहेगी। तो यार अभी अपना आ गया चाय और पकौड़ी एंड अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे छिद्रवाला में, पता नहीं कहाँ है ये। और समय आपका 8 बज चुका है तो अब भूख बहुत लग गई है एंड अब मुझे डर इस बात का लग रहा है ना वहाँ रुड़की पहुँचने का कि मतलब वहाँ पहुँचने के बाद मुझे कहीं अंदर होने देंगे नहीं होने देंगे, इसका डर लग रहा है मुझे क्योंकि मुझे हो रहा है जुकाम एंड वहाँ पे मशीन गन से अगर निकल गया कौन सा होता है वो क्या होता है वाला टेम्परेचर नापने वाला मशीन। तो बस इस चीज़ का है कि उसमें मतलब ऐसा ना हो कि यार ज़्यादा निकल जाओ मुझे फिर बार दिन लेना चाहिए मुझे अंदर। हम लोग तो पहुंच चुके हैं हरिद्वार एंड हमने नाश्ता सब कर लिया है चाय और पकौड़ी। तो फिलहाल अभी भी हम यहाँ से अप्रॉक्स 30-35 किलोमीटर दूर होंगे अपने डेस्टिनेशन से एंड टाइम से बस टाइम से पहुँच रहे हैं एंड अभी समय हो गया आपका 8:30 होने वाला है।
9 बजे तक भी पहुँच जाए तो सही है, क्योंकि थोड़ा टाइम से जल्दी पहुँच जाएंगे तो सही है यार। तो यार अभी हम रुड़की पहुँचने वाले हैं। यहाँ से रुड़की आपका है 10 से 15 किलोमीटर दूर है, और हमारा डेस्टिनेशन है रुड़की से पहले ही कम से कम 10 किलोमीटर पहले है, एंड हम पहुँचने वाले हैं। फिलहाल अभी समय हो गया आपका 9 बजे का, सिर्फ 5 मिनट है। यहाँ लगे धीरे धीरे भीड़ दिख रही है, कहाँ पर करना है। तो यार हम तो पहुंच गए हैं कॉलेज, और कॉलेज दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे चेकिंग होने लग गई है, चल रहे अंदर, एंड ऊपर देखोगे ना मतलब अभी नया नया बन रहा है इधर कॉलेज में। सब भीड़ भीड़ तो मस्त भीड़ हो रही है अभी, और मैं भी तो थोड़ा फल खा लेता हूँ ताकि पेट पूजा हो जाए और अच्छे से हो जाए। यार भूख लग रही है भयंकर। ये आपको मिलते 2 घंटे के बाद। ये जाने लग गए हैं, हम भी चलते हैं अब, ठीक है। तो यार अभी तो मैं आ गया हूँ कॉलेज से बाहर, और अभी समय हो रहा है, आपको समय दिखाई देने का, अभी समय हो रहा है 11:10, और मैं इतनी जल्दी बाहर आ गया हूँ क्योंकि अभी तक हमारा पेपर स्टार्ट ही नहीं हुआ है भाई साहब। मतलब ये कॉलेज इतना खतरनाक कॉलेज है कि मतलब यार पेपर ही स्टार्ट नहीं कर दिया इन्होंने हमारा, और मैंने बाहर पे बोर्ड भी पढ़ा तो इन्होंने सितंबर में ही एक पेपर और कैंसिल कराया है, और हमारा आज ये पेपर भी कैंसिल होने वाला है। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ जबकि और जगह स्टार्ट हो चुका है। एंड अंदर बहुत हंगामा हो गया था, मेरे पास फोन नहीं था, मैं शूट नहीं कर पाया। यहाँ से एंट्री हुई अपनी, एंड यहाँ से पूरा कॉलेज देखो, सारे बच्चे बाहर पे हैं सब। भाई उसको बदनाम कर देना, एडमिट कार्ड में भी देखना किसी वर्ड का नाम जाता है। सब बच्चे बाहर पे, टीचर कुछ आ गए अब कुछ बता रहे, देखो सुनो अब। सर 2 बजे से दूसरा एग्जाम है ना, 2 बजे कोई बात नहीं, दूसरा उसका आपका डिले होगा ना, उसका भी डिले होगा। अरे नहीं, यहाँ पे ना बहुत से बच्चों का 2 पेपर है बैंक का, तो यहाँ पे दिक्कत इनके ऊपर आ गई है। तो यार यहाँ पे देख रहा हूँ अभी भी सिस्टम है, और यहाँ बच्चे देखो सब परेशान हो गए, सबका 2-2 पेपर है, बहुत होगा इनमें से। एंड ऐसा नहीं है कि बहुत होगा दूसरा पेपर, ऐसा नहीं है, सेकंड शिफ्ट नहीं, कुछ और ही पेपर है, कनिष्ठ सहायक का है बोल रहे हैं सब लोग पेपर। अब देखो अब कैसा हाल हो रहा है भाई, ये बैंक सुबह 9 बजे के बाद से ही होने में कंटिन्यू, मतलब 1.5 घंटे सब 2 घंटा होने जा रहा है। ये बहस अभी तक कंटिन्यू चल रही है यार। ये है पूरा कॉलेज साला, हम देहरादून से इधर आए, देहरादून में हो जाता हमारा, इतना बढ़िया जाता, इतना दूर आना भी नहीं पड़ता, नीट डिस्टर्ब करके आए बैंक। इसमें तो बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर से मतलब रेंट मतलब होटल में रह के आए हैं पेपर देने के लिए, और देख रहे हो हाल पेपर का, मतलब इतना बुरा लग रहा है ना कि मतलब यार मैं भी उम्मीद से आया था कि यार मैं भी पेपर पर दूंगा, चीज़ें करूंगा मैं भी अपने तरफ, फिर आपको रिस्पॉन्स बताऊँगा कि पेपर कैसा गया। मैं यहाँ तो ऐसा सिस्टम ही नहीं निकला मेरा कुछ, और अच्छी यहाँ पे ऐसा है कि मतलब बस हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। मेरा बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स मिला यार इस कॉलेज से भाई, बहुत क्या देख रहे हो वो वहाँ से लेके हम अंदर तक तो इंटर कर चुके हैं, धंधा बड़ा करने लग गए थे ये लोग कि मतलब कुछ सॉल्यूशन बताओ हमारे पेपर का क्या हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। ये लोग बार बार कुछ ना कुछ नया नया बहाना बना के हमको डिले करा दिया उन्होंने, एंड फिर कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला करके, तब जाके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था स्टूडेंट्स लोगों ने। तो यार अंदर तो चल रहा है धरना, और मैं तो आ गया हूँ बाहर। तो यार 12 बजने वाला है, एंड हमारा पेपर होने वाला था 10 बजे, पता नहीं कब जो शुरू होगा, कैंसिल ही हो गया, लगा लो यार हमारा पेपर, पागल हो गया भाई। तो यार अपने अभी मैगी आ चुका है, एंड अभी समय हो गया 12:15, हमारा टाइम ओवर हो चुका है पेपर देने का, एंड अभी नाश्ता कर रहे हैं, बट अभी तक हमारा कुछ हुआ नहीं है, कैंसिल हुआ है या अभी होगा पता नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी पुलिस वुलिस आ रखे हैं, मैजिस्ट्रेट आ रखे हैं, तो अब कैसा होता है पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद में। तो ये फिलहाल नाश्ता तो अच्छे से भी नहीं गया था, तो अभी लंच भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो कर लेते, भूख भी लग रही है, खा लेते बराबर। तो यार अभी कहते हैं इस कॉलेज को अलविदा, बाय बाय टाटा। बड़ी उम्मीद से आया था इस कॉलेज में, मैं पेपर देने के लिए आया था अच्छी उम्मीद से, बट पेपर ही नहीं हुआ। एंड एक्चुअल में हुआ क्या था मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊँगा कैसे हुआ था। वही चल रहा है दून को ही। हाँ
तो यार अभी हम पहुंच गए हैं सत्यनारायण मंदिर में, अभी सिकंज के लिए रुके हैं, सिकंज भगवान जी पीते हैं, उसके सामने रुके हैं तो मंदिर में भी जाके आएंगे। तो अब चलते हैं सत्यनारायण मंदिर के अंदर। यार सबसे पहले इंटर करोगे ना आप तो आपको लेफ्ट में मिल जाएंगे यहाँ पे कोटेश्वर महादेव एंड देन यहाँ पे पीपल का पेड़। यहाँ पे बहुत सारी रस्तियाँ बजी है, शायद यहाँ पे लोग विशेष मांग के, मतलब वही जिससे परिक्रमा होता था ना, लोग विश मांगते हैं तो वैसा होता होगा। एंड फिर सामने है सिद्धपीठ सत्यनारायण मंदिर, जिसमें वहाँ पे माता बैठी है। और ये है मेन सत्यनारायण मंदिर, जहाँ पे सत्यनारायण की कथा बोलते थे। मतलब बचपन में बहुत सुना था इस टाइप का, सत्यनारायण की कथा था टाइप का ना। मैंने तो अपना कर लिया है, भाई बाहर पे बैठा है, भाई अंदर नहीं आया। तो यार अभी अपना खाना आ चुका है, सब्जी और रोटी, तो फटाफट खा लेते हैं। भाई तो शुरू भी कर चुका है। पौने चार और अभी हम पहुंच गए हैं फिर से कमरे में, अभी भाई के कमरे में हूँ। तो खाना खा लिया है एंड अब बताता हूँ मैं वहाँ हुआ क्या था एक्चुअली। वहाँ हमारा रिपोर्टिंग टाइम तो हो चुका था 9:30 बजे तक, 9:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम था। तो हम लोग 9 बजे तक पहुँच गए, 9:30 बजे से वहाँ से पता चल रहा है कि हमारा वहाँ पेपर नहीं होने वाला, वहाँ सर्वर डाउन हो गया। ऐसा करते करते मतलब थोड़ा वहाँ पे बच्चों लोगों ने फिर हंगामा वाम कर लिया कि हमारा, हम इतने दूर दूर से आए हैं, ऐसा करके वैसा करके। तो फिर थोड़ा टाइम मांगा टीचरों ने, फिर उस चक्कर से टाइम करते करते 10 बजा दिया, फिर हंगामा हो गया। फिर और फिर हम वेट करते रहे, मतलब वो अलग अलग बहाना देते रहे कि ऐसा वैसा, मतलब नए नए बहाना देते रहे। फिर बहुत खिचमिच हो गया उधर। फिर उसके बाद आके पुलिस को बुलाया गया, फिर पुलिस आई, फिर पुलिस ने बात की। फिर उसके बाद इतना होने के बाद फिर मैजिस्ट्रेट आए, फिर मैजिस्ट्रेट से भी बात किया। तो बाद में 12 बजे के बाद, जब पूरा हमारा टाइम ओवर हो चुका था, वैसे हमारा पेपर 10 से 12 था, तो बाद में 12:15 बजे करीबन पुलिस वाले बताते हैं कि आपका पेपर कैंसिल हो चुका है। एंड देहरादून में भी कैंसिल हो चुका है पेपर, बट जब मैंने पता था किया तो पता चला कि पेपर हुआ रहा देहरादून वालों का एंड हमारा नहीं हुआ बस। तो अब जाओ अब। एंड सब बच्चे फिर कुछ बच्चे वहाँ पे रुके थे कि नोटिस बोर्ड लगा दो सर, हमें नोटिस बोर्ड देख के जाना है। तो हम तो आ गए, हमें पता चल गया क्योंकि सर ने बोला था वहाँ पे। एक पेपर देने के लिए गया था बैंकर, मैं कचरा हो गया हो, तो कोई नहीं। फिलहाल अभी भाई के कमरे में हूँ एंड बहुत थक गया हूँ मैं लिटरली। तो आज का ब्लॉग मैं यही करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो कहने से आपको पता ही है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। बाय बाय।